172 आर को आज संभागीय आयुक्त और नागपुर फ्लाइंग क्लब के अध्यक्ष विजयालक्ष्मी बिदारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब यह विमान प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब के बेड़े में शामिल हो गया है। यहाँ उपायुक्त एवं फ्लाइंग क्लब की प्रबंधक निदेशक डॉक्टर दीपाली मोतियाले, उप मुख्य उड़ान अधिकारी के एस इजिलारासन उपस्थित थे। संभागीय आयुक्त विजय लक्ष्मी बिदारी ने सेसना 172 आर विमान के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। इसके बाद उन्होंने फ्लाइंग क्लब हैंगर का दौरा किया। उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र, विमान मरम्मत विभाग आदि का निरीक्षण किया। राज्य सरकार के महात्मा ज्योतिबा फूले अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान महात्मा ज्योति द्वारा नागपुर फ्लाइंग क्लब में कुल 40 प्रशिक्षु 20 और 20 निजी प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रशिक्षण अवधि के दौरान निर्धारित उड़ान घंटों को पूरा करने के लिए फ्लाइंग क्लब के बेड़े में कुल 4 प्रशिक्षु विमान हैं। इनमें से 3 विमान 2 सीटों वाले हैं। सेसना 172 आर विमान 4 सीटों वाला है। विमान तकनीकी समस्याओं के कारण 2017 से सेवा से बाहर है। तकनीकी दिक्कतें दूर होने के बाद विमान आज से दोबारा फ्लाइंग क्लब की सेवा में शामिल हो गया है। नागपुर फ्लाइंग क्लब का स्वामित्व राज्य सरकार के पास है और इसके माध्यम से विदर्भ और मध्य भारत के छात्रों को पायलट प्रशिक्षण का अवसर प्रदान किया गया है। ये क्लब किफायती दरों पर प्रशिक्षण प्रदान करता है। विभागीय आयुक्त लक्ष्मी बिदारी ने विद्यार्थियों से इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। फ्लाइंग क्लब बहुत साल से चल रहा है और हमारे ऑलरेडी 3 एयरक्राफ्ट है, 40 स्टूडेंट्स है, उसमें से बहुत लड़कियाँ भी है जो पायलट का ट्रेनिंग कर रही है। एंड ये जो एयरक्राफ्ट है सेसना 172 आर, ये एयरक्राफ्ट 2017 से बंद था। इसको अभी एयरवर्दी बनाने के लिए पूरा हमारे जो ऑफिसर्स है, टेक्नीशियंस है, पूरा जो टीम है नागपुर फ्लाइंग क्लब का, उन्होंने पूरा प्रयत्न करके इसका एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट भी लिया है और इसको फ्लाइंग के लिए भी अभी यूज़ भी किया जाएगा। आज हमने उसको फ्लैग ऑफ भी किया है। हमारे जो 40 स्टूडेंट्स हैं इधर के क्लब में है, उसका यूज़ कर पाएंगे। NBC News के लिए राजकुमार मोड़ के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।